मुझे चाबी दे दो, मैं ईशा के कंगन लेकर आती हूँ। कृष्णा लॉकर की चाबी लेकर गई है, लॉकर में तो आर्यमन बताने को ही होता है कृष्णा को सारा सच, लेकिन इतने में एक वीडियो आ जाता है जिसमें पता लगता है कि भाई जो मोहिनी है ना वो किडनैप हो गई है। अब ये मोहिनी और सिद्धार्थ की चाल है। मोहिनी ने अपने आप को ही किडनैप करा लिया और यहाँ पर 10 करोड़ रुपया मांग रहे हैं भाई। और आर्यमन एकदम से ना शॉक हो जाता है और 10 करोड़ रुपया लेके पहुंच तो जाता है जिस बनने वाली है, और पूछने भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता के भी छुपा रही है। कुछ तो गलत हो रहा है और मुझे वो पता करना है, और उसके लिए मुझे मोहिनी को वापस घर लेकर जाना होगा ताकि उस पर नजर रख सकूं। जगह पे बुलाया है पर यहाँ पर भाई लग जाती है मोहिनी की गोली। आर्यमन को मारता है गोली, लेकिन यहाँ पर मोहिनी के लग जाती है और मोहिनी को हॉस्पिटल वगैरह लेके गया है फटाफट से। और यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि भाई गोली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है ना उसका वो सेफ है। वो सुन के उसके होश उड़ जाते हैं कि यहाँ पर मोहिनी जो है वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही पता लगता है ना कि प्रेग्नेंट है तो आर्यमन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, लेकिन इतने में ही ना भाई कृष्णा भी आ जाती है। अब कृष्णा भी ना अपनी भाभी को लेकर इसी सेम हॉस्पिटल में आई हुई है, और यहाँ पर आर्यमन और मोहिनी को देख के उसको एकदम से शक होने लगता है। लेकिन अब ना वो अपना दिमाग चलाएगी और सोचेगी कि भाई ये लोग उस दिन भी वहां पर थे और आर्यमन इतना परेशान भी है, और अब अचानक से ये मोहिनी प्रेग्नेंट कहां से होगी, क्योंकि अब डॉक्टर बता देती है कि ये प्रेग्नेंट है। और अब मोहिनी से पूछती है कि ये किसका बच्चा है, तो वो बॉयफ्रेंड का नाम लेती है और कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है उसका बच्चा है। और यहाँ जो कृष्णा है ना वो दिमाग लगाती है कि भाई अब मुझे पता तो करना पड़ेगा कि क्या चक्कर है, अचानक से प्रेग्नेंट भी हो गई, ये गायब भी हो गई थी। यहाँ पर आर्यमन भी इतना गुस्से में है उस दिन से, तो कुछ तो बात है। और यहाँ पर इसी बहाने से ना वो उसको बोलती है कि भाई मेरे को पता है कि तुम्हारी देखभाल वगैरह करनी पड़ेगी, इसमें तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम घर चलो, और उसको ना बहाने से घर ले जाएगी। अब आर्यमन को ये चिंता हो रही है कि भाई मोहिनी का जो बच्चा हो ना वो उसका बॉयफ्रेंड का ही हो, या ऐसा तो नहीं कि उस दिन जो मैंने गलती की थी कहीं वो सारी चीजें हो। तो यहाँ पर वो बहुत चिंता में है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि जब कृष्णा को सारी चीजें पता लगेंगी तब क्या होगा, क्योंकि कृष्णा तो भाई इसी छानबीन के चक्कर में ना मोहिनी को घर पर लेकर आई है।